कोई नहीं है इस धरती पर जो कल का चित्र बना दे। आज संभल जा ए मानव, खुद को अपना मित्र बना ले। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। देखिए, हर एक पेरेंट ये चाहता है कि उनका बच्चा बेस्ट हो, पढ़ाई में भी बेस्ट हो, देखने में भी बेस्ट हो और करियर में भी बेस्ट हो। यानी कि वो हर फील्ड में अपने बच्चे को बेस्ट ही देखना चाहते हैं और इसके लिए वो जितना हो सकता है उतने एफर्ट्स भी कर रहे हैं। लेकिन इतने कॉन्शियस पेरेंट्स होने के बावजूद वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे उनका बच्चा लाइफ की रेस में पिछड़ रहा है, खुद को स्पॉयल कर रहा है, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स के भी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तो आज मैं उन्हीं कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स के बारे में आपके साथ बातचीत करने वाली हूँ। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं तो प्लीज ये मिस्टेक्स भूल कर भी ना कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों की फिजिकल अपीयरेंस को लेकर ओवर कॉन्शियसनेस। देखिए, वैसे तो हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है, ये तो फैक्ट है, लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में पेरेंट्स की ये ओवर कॉन्शियसनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। वो अपने बच्चों को बेहद सुंदर देखना चाहते हैं और अगर उनका बच्चा कम सुंदर होता है तो वो अपने आप को बहुत ही इंफीरियर समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है। उधर बच्चा अगर कम सुंदर है तो जब वो बाहर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि भाई हम तो बहुत ही एवरेज हैं और बाकी बच्चे कितने सुंदर हैं, तो वो उधर अपने आप को इन्फीरियर समझने लगता है। तो ऐसे में अगर पेरेंट्स बच्चे को सुंदर दिखने के लिए प्रेशराइज करते हैं तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि जब वो घर से बाहर जाता है तो वो खुद को इन्फीरियर फील करता है और जब घर आता है तो पेरेंट्स उसको इन्फीरियर फील कराते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो अपना मेंटल बैलेंस खो देता है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूंगी, अपने बच्चों की फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कभी भी उन्हें टॉर्चर ना करें। रिसेंटली एक न्यूज़ वायरल हुई, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, कि दो बच्चे थे, एक 14-15 साल का और एक शायद 12-13 साल का। उन दोनों बच्चों को कुछ स्किन की डिजीज हुई, यानी कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बाहर जाते थे स्कूल तो बच्चे उनका मजाक बनाते थे और जब बच्चे घर आते थे तो उनके फादर उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार करते थे और उनको बहुत टॉर्चर करते थे। और ये जब सिलसिला काफ़ी दिन चला तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो डबल टॉर्चर सह रहे थे, बाहर भी और घर के अंदर भी। और एक दिन उन्होंने अपने फादर का मर्डर कर दिया। तो जब उनसे पूछा गया कि तुमने मर्डर क्यों किया, क्या तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है, तो बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें कोई गिल्ट नहीं है, हमें इस कदर टॉर्चर किया गया था कि हम मजबूर हो गए थे। इस घटना को बताने का सिर्फ यही मकसद है कि आप अपने बच्चों को इतना मेंटली टॉर्चर ना करें कि बच्चा किसी गलत रास्ते पर निकलने के लिए मजबूर हो जाए। बच्चा देखिए घर के बाहर जाता है वो क्या फील करता है, कई बार पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि अपने बच्चों को खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप अपने बच्चों को खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे तो आपका बच्चा भी अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख जाएगा और फिर बच्चे को बाहर वालों की बातों का कभी भी कोई असर नहीं पड़ता। तो मैं दोबारा से यही कहूंगी कि ब्यूटी को लेकर ओवर कॉन्शियसनेस थोड़ी कम कीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और बच्चों के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट है मॉरल वैल्यूज। आजकल के पेरेंट्स मॉडर्निटी की रेस में इतना तेजी से दौड़ रहे हैं कि जो जितना ज्यादा वल्गर है, जो जितना ज्यादा अश्लील है, उसको उतना ही ज्यादा मॉडर्न समझ रहे हैं। और जो लोग अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज दे रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, उन्हें समझा जा रहा है बहुत ही थर्ड क्लास, बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज नहीं दे रहे हैं तो आपका पतन निश्चित है, आपका बच्चा खुद भी डूबेगा और आपको भी डुबो देगा। तो इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूंगी कि अपने बच्चों को चीजें बेशक कम दीजिएगा लेकिन मॉरल वैल्यूज भरपूर दीजिएगा, अगर आप अपने बच्चों को किसी ऊंचाई पर देखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन। ज्यादातर पेरेंट्स की यह आदत होती है कि वो अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तो कहेंगे देखो
उनका बच्चा कितना तेज है, उसके तो 9 नंबर आए, तुम्हारे तो 7 ही रह गए, उसी की तरह बनो। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कहेंगे देखो उनका बच्चा कितना स्मार्ट है, और तुम भी वैसे ही रहा करो, तुम क्यों ऐसे पागलों की तरह घूमते रहते हो। फिर लड़कियां, अगर कोई लड़की उनकी थोड़ी हेल्दी है तो कहेंगे देखो उनकी लड़की कितनी दुबली पतली है, कितनी सुंदर है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं लगती हो ऐसी। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों का हर स्टेज पे दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते ही करते हैं। तो देखिए ये कंपैरिजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की अपनी एक जर्नी है, हर बच्चा अपने लेवल से अच्छा भी दिखना चाहता है, अच्छा बनना भी चाहता है, और अगर आप उसे इस तरह से तोड़ेंगे तो उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। और जब बच्चे की मेंटल हेल्थ एक बार खराब हो जाएगी तो बच्चा कोई भी काम करने के लायक नहीं बचेगा। तो यहाँ पर मैं सभी पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ खराब होने का क्या मतलब है? मेंटल हेल्थ खराब होने का मतलब है कि मन से टूट जाना। जब बच्चा एक बार मन से टूट जाता है तो फिर वो कहीं भी खड़ा होने के लायक नहीं बचता। तो ये थी वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें आज के टाइम में 99% पेरेंट्स कर रहे हैं और नतीजा भी भुगत रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आप ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उसमें कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी उन क्वालिटीज़ को बढ़ाइए, ना कि उसका कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करके उसकी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।